इधर बीच घुसपैठियों की बात हो रही है, आपने सीए इम्प्लीमेंट किया, मैनिफेस्टो में एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, सीए का इम्प्लीमेंटेशन कोविड के कारण लेट हुआ है और हम मानते हैं कि पहले सीए को जमीन पर उतारना चाहिए। वो प्रक्रिया अब चल रही है और जहां तक घुसपैठ का सवाल है, अब देश के एक ही राज्य से घुसपैठ हो रही है, बंगाल से जी, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार का उस पर वरद हस्त है। वो घुसपैठियों में अपनी वोट बैंक दिख रही है, उनको घुसपैठ में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है वो नहीं दिखाई पड़ता है, उनको लगता है कि मेरे वोट बढ़ रहे हैं। न केवल बंगाल, समग्र देश के लिए ये बहुत खतरनाक सोच है। मैं बंगाल की जनता को हृदय से अपील करना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सफल बनाइए, इसके बाद वहां भाजपा सरकार बनाइए, हम ऐसी बॉर्डर बनाएंगे कि परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। इसीलिए सीए का दमखम से वो विरोध भी कर रही है, वो कह रही है कि जो है हम सीए कभी इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। उनको मालूम नहीं है नागरिकता सेंट्रल सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट को कुछ करना ही नहीं है, शायद मालूम है, मगर माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए वो बोल रही है। अमित जी, 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये आपका एक बहुत बड़ा वादा था जो आपने निभाया, मगर ऑपोजिशन ये कहती है कि आज इस चुनाव में आप राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, राम के नाम पर तो वोट तब मिलता था जब मंदिर नहीं बना था और हम कहते थे हम बनाएंगे, हमने तो वोट लेने का कारण ही समाप्त कर दिया। ऑपोजिशन को चिंता इसलिए है और पूरा देश उनसे नाराज इसलिए है कि जब राम मंदिर बना, शांतिपूर्वक तरीके से बना, संवैधानिक रूप से बना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। माइनॉरिटी के डर से वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसलिए पूरा देश उनसे नाराज है। हमने कभी ये नहीं कहा कि राम मंदिर बनाया इसलिए हमें वोट दीजिए, मगर पूरे देश की जनता जानती है 70 साल से ये लोग अटका कर रखे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी और आज भव्य राम मंदिर, समग्र देश को आह्लादित करने वाला राम मंदिर बना है।